हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू GoHash.in। GoHash.in में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए इंटरस्टेट बॉर्डर्स क्लोज किए गए थे, उसके बाद ई पास लेकर सभी लोगों को एंट्री दी जा रही थी। अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये जो रिलैक्सेशन है वो बढ़ता जा रहा है। अजय भल्ला जो कि IAS हैं होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जहां पर उन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस किया, यानी हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये बात जा रही है कि अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर ट्रैवल करने के लिए या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी किसी व्यक्ति को या किसी गुड्स को। यानी कि लॉरी रहो, ट्रक रहो या कोई कार लेके जाना रहो, तो उन्हें कोई सेपरेट परमिशन या सेपरेट अप्रूवल या सेपरेट ई परमिट की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए ये मामला इंक्लूड भी हो रहा है आसपास के कंट्रीज़ के लिए भी। ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी हुआ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये रिपोर्ट जाना शुरू हो गई कि लोकल लेवल पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, यानी कि कोई गाड़ी आ रही है तो लोकल लेवल पे या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन का जो मामला होता है यानी गुड्स को ट्रैवल करना होता है या एक दूसरी जगह पहुँचाना होता है उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अब ऐसी कोई रुकावट ना हो किसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से या किसी स्टेट की तरफ से। अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट से तो ये वायलेशन होगा गाइडलाइंस का जो कि MHA की तरफ से रिलीज की गई थी अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसीलिए सभी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि ऐसा कोई इंटरस्टेट या इंटरस्टेट मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन ना रखे अकॉर्डिंग टू द MHA गाइडलाइंस। स्क्रीन पर आप ये लेटर देख रहे हैं, अगर ऐसी कोई आपको रुकावट हो रही हो तो हमें बिल्कुल बताएं, हम इसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए ई पास का रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना होगा। सेवा सिंधु वेबसाइट पर जाकर आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं और आपको एक OTP पासवर्ड आएगा, साथ ही साथ आप अपना नेम मोबाइल नंबर डालकर कर्नाटक स्टेट के अंदर आपको एक PDF आएगी जहां पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी। एक पास रहेगा जो कि परमिशन नहीं रहेगी बल्कि एक इंटीमेशन रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो याद रखिए अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, कर्नाटक की हमें इन्फॉर्मेशन मालूम है, हमने आप तक ये बात लाई है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए GoHash.in।